हरिद्वार की, जहां पर रुड़की का विकास प्राधिकरण एक बार फिर चर्चाओं में बना हुआ है। स्वराज सेवा दल ने रुड़की विकास प्राधिकरण के परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण दलालों का अड्डा बन चुका है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कहा है कि प्राधिकरण ने विज्ञापन प्रेषित किया था कि प्राधिकरण किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा लगातार टीम बनाई जा रही है, जिससे कि हरिद्वार के शिवालिक नगर, रुड़की, श्यामपुर आदि क्षेत्रों में ड्रोन फ्लाइंग से निगरानी रखी जाएगी। हरिद्वार से नरेश तमर की रिपोर्ट। देखिए, उन्होंने तीन चार स्पेसिफिक मुद्दे तो बताए हैं, बट बाय एंड लार्ज उनका ये कहना है जो लॉ का फोर्स है वो सबसे बराबर है। ऐसा ना हो किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम, किसी का ओहदा ज़्यादा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक टीम बना दी गई थी, जहाँ जहाँ एरिया से हमें शिकायतें, जैसे शिवालिक नगर हो गया आपका, गेंडी केतर आपका, ये श्यामपुर कांगड़ी हो गया आपका, और भी रुकी कैसे क्षेत्र हो, तो उधर हम लोग ड्रोन फ्लाइंग करवाने वाले हैं। ड्रोन फ्लाइंग से हम एग्जैक्ट स्टेटस जो आज का है वो निकाल लेंगे, और उसके बाद जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उससे हम नापेंगे, क्योंकि वो सारी हम जो है उसको हम अपने ड्राइव पे और हमारे क्लाउड पे हम सेव कर देंगे, तो वो एक हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। इनफैक्ट वी विल ट्राई टू पुट इट इन पब्लिक ऑल्सो। जो भी ये दलाल हैं, इनकी दलाली बंद करने के लिए आज हमने HRDA में धरना दिया है। नोटिस के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर एक बार नोटिस कट गया तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध निर्माण जो ये मंत्री और संतरियों के बन रहे हैं, इनके लिए भी वही नियम है जो गरीब आदमी के लिए नियम है। जो तमाम फर्जी होटल और फर्जी भवन बन रहे हैं, इनमें मंत्रियों की पार्टनरशिप है, भूमाफियाओं की पार्टनरशिप है, इन पर रोक लगाई जाए और सही कार्यों को कराया जाए। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दे दिया है। एक आश्रम और है अवैध, किसी मतलब माननीय मुख्यमंत्री के घर करीबी है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर दी गई है, देखते हैं एक हफ्ते का ना अल्टीमेटम दे दिया गया। अगर एक हफ्ते बाद नहीं मानी गई, पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।